हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का मैथ करेंगे, चैप्टर 1। रैशनल नंबर। तो उससे पहले हम कुछ इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं कि हमें रैशनल नंबर की जरूरत क्यों है। क्यों है रैशनल नंबर की जरूरत? तो जैसे हमको इक्वेशन रख देते हैं एक्स प्लस 5 इक्वल टू 13 है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 13। जब बी इक्वल से इस तरफ जाएगा वैल्यू की साइन चेंज होगा, -5 होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 8। तो नेचुरल नंबर की जरूरत पड़ी हमें रिजल्ट की वैल्यू निकालने के लिए। रिजल्ट पाने के लिए नेचुरल नंबर की जरूरत पड़ी, दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हमें ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर से हमें सारे इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं? पहले बात तो नेचुरल नंबर देख लेते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं कौन से? 1, 2, 3, 4। देख लेते क्या ये बात सच है कि नेचुरल नंबर्स के से हम सारे इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस इक्वेशन पर। वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा, नहीं 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमें 0 की जरूरत पड़ गई। तो हम कह नहीं, तो ये बात गलत साबित हो गई कि नेचुरल नंबर से हम सारी इक्वेशन सोल्व नहीं कर सकते। तो हमें होल नंबर की जरूरत पड़ गई, 0, 1, 2, 3, 4। अब हम क्या ये कह सकते हैं कि होल नंबर से हम सारी इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं? कह सकते हैं, देख लेते हैं क्या आप मेरी बात सत्य है कि हम ये इक्वेशन लेते हैं। माइनस का बड़ा है तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो क्या है? -1 तो होल नंबर में है ही नहीं, तो हमारी ये बात गलत साबित हुई। तो इंटीजर हो गया, ये क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर का कलेक्शन। ये होता है इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर के अंदर आएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इंटीजर अगर हमें पता के कलेक्शन के अंदर ही सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसके लिए हम इस इक्वेशन पे कंसीडर करेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3। जब भी इक्वल किस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में होगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आएगा। अब ऐसे ही एक और ले देते हैं, तो क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर है, पर जो रिजल्ट की वैल्यू आई वो तो इंटीजर नहीं है। 2/3 तो इंटीजर में नहीं आता, 4/3 तो इंटीजर में नहीं आता। तो कहता है रैशनल नंबर की जरूरत पड़ेगी। रैशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ तक सब नंबर के बारे में सोच पड़ गए। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि हमें सारे इक्वेशन सोल्व करने के लिए रैशनल नंबर की जरूरत पड़ेगी, और ऊपर से ये सारे नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर सब रैशनल नंबर के अंदर आता है, और रैशनल नंबर खुद भी है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर पढ़ लेते हैं, पर उससे पहले कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में तो मैथ में जितनी भी ऑपरेशन लगते हैं, जैसे एडिशन सबट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, इन चार एरिया पर चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं। उससे पहले हम कुछ रिवीजन ले लेते हैं। जैसे होल नंबर का हमें रैशनल नंबर पर चेक करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले कुछ हम रिवीजन लेते हैं जिससे आप फैमिलियर हो जाए। होल नंबर पर कर लेते हैं ऑपरेशन,
नंबर रिमार्क कर देते हैं। तो ऑपरेशन लगाते हैं एडिशन का, तो क्या कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार, अगर कोई दो नंबर हम होल नंबर लेते हैं तो उसका एडिशन करने के बाद भी होल नंबर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 0 + 5 = 5, तो 0 क्या है होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, तो उसकी रिजल्ट भी ऑपरेशन एडिशन का ऑपरेशन करने के बाद भी वैल्यू होल नंबर ही आई। 4 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 11, तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। तो इन जनरल में क्या कर सकते हैं, a + b = 2, इफ ए एंड बी होल नंबर देन सी आर आल्सो होल नंबर। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, जितना भी होल नंबर का जो कलेक्शन है उसके अंदर ही वैल्यू आएगी रिजल्ट एडिशन की भी, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, क्लोज जितना भी होल नंबर कलेक्शन है 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, उतने तक के अंदर ही इसकी वैल्यू आएगी किसकी, आंसर के क्वेश्चन की। ठीक है, सोल्व करने के बाद अब सब्ट्रैक्शन पे कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन केस में देखते हैं, अगर दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया जाए तो उसकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद वैल्यू आनी चाहिए, वो भी होल नंबर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं, अगर 5 - 7 = -2, माइनस का बड़ा है, 5 होल नंबर है, 7 होल नंबर है, इनका सब्ट्रैक्शन किया तो क्या ये होल नंबर है, नहीं है ना, -2 क्या इंटीजर है, तो a - b = c, इफ ए एंड बी होल नंबर देन सी आर नॉट ऑलवेज होल नंबर। तो क्या है ये फॉलो नहीं करता क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो इसकी जो वैल्यू है क्लोज होल नंबर के बाहर से वैल्यू है, तो उसको होल नंबर के कलेक्शन में -2 होता ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, तो अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से चेक कर लेते हैं होल नंबर का। अगर 0 × 3 ले देते, 0 होल नंबर आया, 3 × 7 ले देते 21, होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो क्या कह सकते हैं, ए एंड बी आर होल नंबर देन सी आर आल्सो होल नंबर। होल नंबर किसके केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो क्या जो वैल्यू आएगी वो भी होल नंबर के कलेक्शन के अंदर से ही होगी, तो क्या लिखेंगे, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पे चेक कर लिया, अब डिवीजन पे रह गया, डिवीजन पे चेक कर लेते हैं, डिवीजन देख लेते हैं, तो क्या है होल नंबर अगर हम लेते हैं डिवीजन की, दो होल नंबर का अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो क्या होल नंबर आ रहा है, ये तो पी वाई क्यू फॉर्म में होगा, रैशनल नंबर,
तो होल नंबर के डिवीजन के बाद जरूरी नहीं कि होल नंबर आए। ठीक है, तो क्या ये इसका जो वैल्यू आएगा होल नंबर के कलेक्शन के अंदर नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे होल नंबर आर क्लोज्ड नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो ये हमारा होल नंबर के केस में हमने क्लोज प्रॉपर्टी चेक कर ली जिसमें एडिशन पे फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन पे क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन पर फॉलो करता है और डिवीजन पर फॉलो नहीं करता। क्लोज प्रॉपर्टी का मतलब है होल नंबर अगर लेते तो उसका रिजल्ट ऑपरेशन करने के बाद भी होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं करता तो क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता उसके उस ऑपरेशन पर होल नंबर। तो अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं होल नंबर के बाद इंटीजर पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे चेक कर लेते हैं क्या क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं। एडिशन पे चेक करते हो, पहले माइनस वन होगा, माइनस का बड़ा है सिक्स, तो क्या है होल नंबर है ये मतलब कि इंटीजर है तो उसकी वैल्यू भी इंटीजर में आए। प्लस माइनस माइनस होल नंबर लिया मतलब इंटीजर अब हम इंटीजर के केस में चेक करते हैं। प्लस माइनस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पर की क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं। पहले एडिशन पर चेक कर लेते हैं। क्या है इंटीजर ये भी इंटीजर होया। फिर इसके बाद से हम कर लेते हैं प्लस माइनस माइनस, अगर ये इंटीजर है फिर ये इंटीजर लिया, इन दोनों का एडिशन किया तो कितना आया माइनस 12, ये भी इंटीजर है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ए प्लस बी इक्वल टू सी, इफ ए एंड बी आर इंटीजर देन सी आर आल्सो इंटीजर।
तो क्या होगा, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अगर किसी दो इंटीजर को हम जब ऐड करते हैं तो इंटीजर ही प्राप्त हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू भी इंटीजर आएगी, मतलब कि जो कलेक्शन ऑफ इंटीजर है उसी के अंदर ही वैल्यू आएगी। एडिशन पर चेक कर लिया हमने इंटीजर को, अब चेक करते हैं सबट्रैक्शन का। सेवन माइनस फाइव इक्वल टू टू, इंटीजर इंटीजर वैल्यू भी इंटीजर आई, पर क्या ये हमेशा आ रहा है? अब इसको देख लेते हैं उल्टा करके कितना आया, माइनस टू, ये भी इंटीजर है। तो क्या कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इफ ए एंड बी आर इंटीजर देन सी आर आल्सो इंटीजर, मतलब सब्ट्रैक्शन पे इंटीजर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इंटीजर लिखेंगे इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, अब डिवीजन पर चेक कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन में, दो अगर इंटीजर का अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसकी वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंटीजर में ही होगी। डिवीजन से पहले मल्टीप्लिकेशन पर देख लेता हूँ। अगर दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू इंटीजर में आ रही है, चेक कर लेते हैं 14, 5 इंटीजर है, 8 इंटीजर है, वैल्यू भी इंटीजर है। 5 इंटू में माइनस तो प्लस माइनस माइनस 8, 5 जा 14, तो ये भी इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं इफ ए एंड बी आर इंटीजर देन सी आर आल्सो इंटीजर, किसके केस में, डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, अगर दो इंटीजर लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन के बाद भी वैल्यू जो आती है वो भी इंटीजर ही होती है। लिखेंगे इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के केस में चेक कर लेते हैं। अगर दो इंटीजर का अगर डिवीजन किया जाए तो क्या डिवीजन के बाद जो वैल्यू आती है वो भी इंटीजर में रहती है। 5 अपॉन में 8 कर देंगे, ये इंटीजर है 5, 8 इंटीजर है, तो 5 अपॉन 8 पी वाई क्यू फॉर्म में, ये इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है, तो उसी के बाद आते हैं इफ ए एंड बी आर इंटीजर देन सी आर नॉट ऑलवेज इंटीजर, तो क्या लिखेंगे, टीचर आर नोट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्या कह रहा है कि अगर दो इंटीजर का अगर डिवीजन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कलेक्शन ऑफ इंटीजर के अंदर नहीं है, क्योंकि 518 इंटीजर के में आता ही नहीं। ठीक है, अब तो दो चीज़ हमने कर ली, एक तो इंटीजर के किस में चेक कर दिया और एक
होल नंबर के केस में मैथमेटिकल ऑपरेशन पर चेक कर दिया कि कुल दो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अब क्या बचा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कम कर देते हैं। रैशनल नंबर के केस में एन के वाई इंटीजर एन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं प्रॉपर्टी। तो क्या कहने का मतलब है कि दो रैशनल नंबर का एडिशन करेंगे तो उसकी वैल्यू भी रैशनल नंबर में ही आनी चाहिए। तो एडिशन पे चेक कर लेते हैं, थ्री अपॉन एट प्लस में माइनस फाइव बाई सेवन रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, प्लस माइनस माइनस इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 में, एट सेवन जा 56, सेवन थ्री जा 21, एट फाइव जा 40, ये बड़ा है तो इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ से रफ में माइनस कर सकते हो 40 21 नाइन्थ। तो क्या रैशनल नंबर आया, रैशनल नंबर आया ना, कोई भी दो रैशनल नंबर देते हैं तो उसका वैल्यू भी रैशनल नंबर आएगा। तो ये क्या प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर आर क्लोज अंदर एडिशन, ठीक है। अब एडिशन पे चेक कर लिया, अब सब्ट्रैक्शन पे चेक कर लेते हैं। क्या दो रैशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा, चेक कर लेते हैं। कोई भी कॉमन चीज नहीं है, सेवन थ्री जा 21, थ्री फाइव जा 15, थ्री सेवन जा 21, सेवन टू जा कितना होगा 29, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ेगा 21, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लाईकेशन पे चेक कर देंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, मतलब कि दो अगर रैशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू भी रैशनल नंबर में होनी चाहिए। ऐसे ले लेते हैं माइनस फोर बाई तीन गुणा फोर बाई सेवन ले लेते हैं, तो कट नहीं सकता अपॉन में, फोर फोर जा 16 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 ही रहना 21, ठीक है। कोई भी दो रैशनल नंबर लिया उसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रैशनल नंबर ही मिलता है, क्या कहा है, पी बाई पी बाई टू फॉर्म में है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्या कहने का मतलब है कि कोई भी दो रैशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू भी रैशनल नंबर आएगी।
ठीक है, डिवीजन करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम आ जाते हैं आखिरी ऑपरेशन के बारे में, इंटरेस्ट नंबर के, जो है डिवीजन। फाइव अपॉन में थ्री डिवाइड बाय टू बाय फाइव, उसको क्या करेंगे सोल्व कर सकते हैं। माइनस फाइव बाई थ्री चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, फाइव अपॉन टू हो जाएगा, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, सिक्स थ्री टू जा सिक्स। तो अगर दो रैशनल नंबर लिया हमने, उसका डिवीजन करने के बाद वैल्यू भी रैशनल नंबर आएगी, परंतु क्या हमेशा आएगी? अगर फाइव डिवाइड बाई जीरो कर दिया जाए, मतलब फाइव अपॉन में जीरो, तो ये जो वैल्यू है ये रैशनल नंबर नहीं गिनी जाती, क्योंकि रैशनल फाइव रैशनल नंबर है, जीरो भी रैशनल, जीरो बटे वन लिख सकते हैं, फाइव अपॉन वन भी लिख सकते हैं, फाइव भी रैशनल नंबर है, जीरो भी रैशनल नंबर है, ठीक है। फाइव क्या है? इंटीजर, पी वाई क्यू के फॉर्म में है। रैशनल नंबर होने के लिए क्यों नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पर क्या ये जीरो है? क्यों तो जीरो हो गया, ये कभी भी अपन में जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये डिवीजन के केस में रैशनल नंबर जरूरी नहीं कि हमेशा रैशनल नंबर ही आए, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, ये रैशनल नंबर नहीं गिना जाएगा, ठीक है। अगर फाइव होता तो रैशनल नंबर आता, पर फाइव अपॉन में जीरो, फाइव पॉइंट फाइव लिख सकते हैं, फाइव पॉइंट जीरो होता है इन्फिनिटी, नहीं अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये क्या है, हमेशा फॉलो नहीं करता, एंड बी आर रैशनल नंबर then C are not always rational number, so क्या लिखेंगे, rational number are not closed under division, ठीक है। तो यहाँ तक कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कम्यूटेटिव, अगले पार्ट में वीडियो में।